हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गुड़हल के पौधों की गमलों में प्लांटिंग करेंगे। ये हमने लिया हुआ है ये गमला है और ये हमने नॉर्मल सॉइल ली हुई है। इस नॉर्मल सॉइल का हम यूज करेंगे पौधे प्लांटिंग करने के लिए। ये मैंने लिया है पीले कलर का गुड़हल, जो कि मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ, और इसी की हम आज गमले में इसको प्लांट करेंगे। ये आप इस देख सकते हैं इसकी रूट कितनी अच्छी तरह से निकली हुई है। और आप लोग भी लेना चाहें तो अच्छी इसमें रूट निकली हो वही पौधा चूज करें। अब हम इसमें इस गमले में नॉर्मल सॉइल डाल रहे हैं। इसको हम पूरा ऊपर तक भर देंगे। इसमें से हम थोड़ी हम सॉइल निकाल लेंगे और इसके बीचों बीच एक जगह बना लेंगे जिसमें हम पौधे को रखेंगे। इस पौधे को हम इस गमले में रखेंगे। इस बीच वाला जो हमने स्थान खाली किया है इसमें हम इसको रख देंगे और इसके चारों तरफ से हम मिट्टी कर देंगे। हमने मिट्टी कर दी है, इसके चारों तरफ से अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि ये हिले नहीं। अगर हमारा पौधा हिलेगा तो पौधा हमारा तिरछा हो जाएगा। और इसमें सॉइल डाल देंगे, अभी इसमें जगह बाकी है, इसमें और सॉइल डाल लेंगे। ये हमने सॉइल इसमें डाल दी है। ये पौधा हमारा लगकर रेडी हो चुका है। ये मैंने एक और प्लांट लिया हुआ था जो मैं दोनों ही नर्सरी से लाया था, अलग अलग कलर के दोनों गुड़हल हैं। इसको भी मैंने गमले में प्लांट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इस पर पानी डालेंगे दोनों गमलों में। आप इसमें नॉर्मल सॉइल की जगह हमने इसमें पानी डाल दिया है। ये हमने पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे ये प्लांट 45 से 50 दिन के हो चुके हैं। हमने इनको लगाया था और अब इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीले कलर का गुड़हल है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हुई है। ये देखिए, ये रेड कलर का है इसमें गुड़हल, इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले इसमें पौधे को स्टेबल होने में 10-15 दिन लग गए और उसके बाद इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हुई और अब ये फ्लावर
की अवस्था में आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, इसमें फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। ये दोनों ही प्लांट मैंने लगाए हुए थे और अब इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए आप, इसमें बहुत सारी कलियां निकल रही हैं और ये हमारा प्लांट दोनों ही अच्छी तरीके से स्टेबल हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारी जो है कलियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं।